अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको कुकविद कुबरा सादिया में बहुत बहुत खुश आमदी। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रेसिपीज हमारी पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम आपके साथ एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है वेजिटेबल उपमा, जिसको उपिट भी बोलते हैं, और पाइनएप्पल केसरी भात। उपमा उपिट जो है यूजुअली बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, और पहले तो मुझे भी पसंद नहीं था, मगर जब मैंने इसको इस अंदाज़ से, इस तरीके से बनाना शुरू किया तो मुझे भी और घर में भी सब लोगों को बहुत पसंद आने लगा है, और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हमने पहले तो हम जो है वेजिटेबल उपमा बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल लिया है। तेल आप अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जो है मूंगफली यानी फली के बीज डाल दिए हैं, और जो है 1 टीस्पून चने की दाल। उसके बाद हमने डाल दिया 1/2 टीस्पून सरसों यानी कि राई, 1 टीस्पून ज़ीरा। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कटे हुए, बारीक कटे हुए काजू, या फिर आप इनको स्प्लिट करके आधे आधे भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम 1 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़े से रोस्ट नहीं हो जाते। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को आप क्रश करके या फिर कुचल के भी डाल सकते हैं। इसको भी हम 1 मिनट तक सोटे कर लेंगे। फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं 2 स्टिक्स करी लीव्स यानी कि करियापाक, और 2 हरी मिर्चें जिनको बारीक लंबा था। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को डालकर हम सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे 1/4 कप फ्रोज़न मटर। इसको भी हम 2 मिनट तक अच्छे से सोटे कर लेंगे, जब तक कि मटर जो है वो हाफ कुक जाती। फिर हम उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बीन्स जिसको हमने बारीक काट लिया था, और 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है गाजर, उसको भी हमने बारीक काट लिया था। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम डाल लेंगे उसमें 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हम मिक्स करके सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे, जब तक कि वो बीन्स और गाजर जो है थोड़ा सा गल नहीं जाते। फिर हम उसमें डाल देंगे 1.5 कप रवा। पहले तो मैंने 1 कप रवा डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से रवे के साथ मिक्स कर लिया है। फिर उसमें मैंने बचे हुए 1/2 कप सूजी यानी रवे को डाल दिया है, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे वेजिटेबल्स, प्याज और दूसरे तेल के साथ सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसमें 1 टेबलस्पून कद्दूकस ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट डालने से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फिर उसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया मुट्ठी भर, और सारी चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे रवा के साथ। फिर मैंने उसमें डाल दिया है 2 ग्लास पानी। पानी हम पहले 1 ग्लास डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंप ना बने। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 और ग्लास पानी। 2 ग्लास डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर उसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। एक बार जब पानी इसका जो कम हो गया है, तब हम उसको कैप बंद करके धीमी आंच पर 5 मिनट तक दम कर लेंगे, जिससे सूजी जो है वो अच्छे से गल जाएगी, पक जाएगी, और उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से इसकी जो खुशबू और टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको आप ज़रूर डालें, और घी डालने के बाद उसको मिक्स कर लें। ये देखिए वेजिटेबल रवा उपमा फटाफट बनकर तैयार है। चलिए अब हम बनाते हैं
पाइनएप्पल केसरी बात, यानी कि अनानास का केसरी बात, जो कि सबको बहुत पसंद है। आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप पाइनएप्पल यानी अनानास लिया है, उसको बहुत बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। उसको एक पैन में डालकर उसमें हमने 1 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। इसको हम जब तक पकाएंगे तब तक कि ये पाइनएप्पल के जो ये पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गल नहीं जाते। बीच में हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ताकि जो पाइनएप्पल का जो खट्टा और जो एकदम थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसमें डाल दिया है 1/4 कप शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये अच्छे से पक रहा होगा तब हम उसमें डाल देंगे चुटकी भर येलो फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं। जब ये अच्छे से पक रहा होता है, पानी जब कम हो जाएगा, तब हम उसमें और 1/2 कप पानी डाल देंगे और पकने देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो पाइनएप्पल अनानास है वो गल गया है। देखिए ये ऑलमोस्ट ये हो गया है 70 से 80%, इतना काफ़ी है। इसको हम बंद कर देंगे स्टोव को। दूसरी तरफ एक पैन लिया है, उसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। घी गर्म होने पर उसमें 2 से 3 जो है इलायची डाल दें। यहाँ पर मैंने 2 इलायची और 1 इलायची के जो अंदर के दाने होते हैं उसको निकाल कर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 कप जो है बारीक कटे हुए बादाम और काजू डाल दिए हैं। इनको हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें 2 टेबलस्पून ये जो काले किशमिश होते हैं, रेजिन्स होते हैं, जिसको काबुली किशमिश बोलते हैं, उसको मैंने धोकर डाल दिया है। उसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई करके कर लेंगे। जब वो फूलने लगेंगे तब हम उसमें 1 कप रवा डाल देंगे, यानी कि सूजी को डालकर हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो आंच पर चम्मच हिलाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी भीनी भीनी खुशबू नहीं आ जाती। ये भी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। दूध डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे पाइनएप्पल और शक्कर का जो सिरप हमने बनाया था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी जो रवा है उसका लंप ना बनने पाए। हम इसको अच्छे से मिक्स करके कंबाइन करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर इसी तरह चम्मच हिलाते हुए पका लेंगे, जब तक कि इसमें का जो एक्सेस वाटर है, पानी है, वो अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ये अभी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हम इसको कैप बंद करने से पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी का इस पर डाल दिया है, जो कि टेस्ट और खुशबू में ज़्यादा करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फिर उसको मैंने 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर कैप बंद करके दम कर लिया है, सिमर कर लिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया टेस्टी खुशबूदार और फ्लेवरफुल पाइनएप्पल केसरी बात तैयार है। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट हमने इसमें यूज़ किया है। इन दोनों को आप गर्मा गर्म सर्व करें। यहाँ पर मैंने रवा उपमा, वेजिटेबल उपमा लिया है और साथ में एक पाइनएप्पल केसरी बात रखा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप इसको एक बनाना लीफ यानी कि केले के पत्ते में सर्व करें, जिससे कि लगेगा कि ऑथेंटिक खाना खा रहे हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जज़ाकअल्लाहु खैरा। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में।